एलएसी पर चीन से तनाव के बीच आज पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर अब सबकी निगाहें भी हैं। एलएसी पर झड़प के बाद विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहा है। ऐसे में आज पीएम मोदी तवांग के बेहद करीब पहुंचकर विरोधियों को भी जवाब दे सकते हैं। पीएम आज मेघालय और त्रिपुरा को 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे। आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी, पर्यटन समेत विकास की 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज मिल रही है। तो एलएसी पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री का यह नॉर्थ ईस्ट दौरा बहुत अहम माना जा रहा है और 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज नॉर्थ ईस्ट को मिलने वाली है, मिल रही है। एलएसी पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही खास है। तवांग में एलएसी पर झड़प के बाद पीएम का यह मेघालय का दौरा है। एलएसी पर तनातनी के बीच तवांग के बहुत करीब प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा और आज मेघालय और त्रिपुरा को 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। बहुत कुछ आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। तो एलएसी पर झड़प के बाद विपक्ष लगातार सवाल भी प्रधानमंत्री को लेकर के उठा रहा था और आज प्रधानमंत्री विरोधियों को भी यहां से जवाब दे सकते हैं। बेहद करीब तवांग के होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से वो अपने विरोधियों को भी जवाब देंगे और एक संदेश चीन के लिए भी जरूर यहां से जाएगा। आज खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में विकास की जो रफ्तार है उसको और तेजी मिलेगी, जिसमें आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, आईटी, पर्यटन समेत बहुत सारी और परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है मेघालय और त्रिपुरा को। आईआईएम शिलांग कैंपस का भी आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। मोबाइल टावर, कई मोबाइल टावर्स की शुरुआत होगी। 3400 करोड़ की लागत से घरों का जो निर्माण किया गया वो सौगात मिलने वाली है। नॉर्थ ईस्ट को पहले डेंटल कॉलेज की भी सौगात मिलेगी। हिंदी लाइब्रेरी खोली जा रही हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। 6 सड़क परियोजनाएं हैं तो कुल मिलाकर 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों से आज होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।